जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट फेज में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे कैंपेनिंग। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान के नाम, यूपी के सीएम योगी समेत राजस्थान के सीएम अजय लाल का नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर के पहले फेज के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की संशोधित सूची। पांपोर से सैयद शौकत, राजपुरा से अर्शीद भट्ट, शोपिया से जावेद अहमद, अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफीक, अनंतनाग से सैयद वजाहत लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने जारी की जम्मू विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी की दूसरी सूची। कोकरनाथ से चुनाव लड़ेंगे चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर। पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद बीजेपी को वापस लेनी पड़ी 44 उम्मीदवारों की पहली सूची। टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं ने जम्मू बीजेपी दफ्तर के सामने की नारेबाजी। श्रीनगर में हुई कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से संन्यास की अफवाहों को किया खारिज, कहा अंतिम सांस तक पार्टी के मूवमेंट के लिए रहूंगी समर्पित। लेह में 5 नए जिलों का होगा गठन, गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर दी जानकारी। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले पार्षदों पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया, कहा इस पार्टी को छोड़कर जाने वाला राजनीतिक रूप से हो जाएगा बर्बाद। बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे को चंद्र की न्यायिक हिरासत, कल्याण कोर्ट ने दिया आदेश। गांधीनगर में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या, वाटर लॉगिंग की वजह से यातायात प्रभावित। भारी बारिश की वजह से गांधीनगर के अंडरपास बने तालाब, अंडरपास क्रॉस करने के लिए जोखिम उठाने पर मजबूर दिखे लोग। गुजरात के दाहोद में लगातार हो रही बारिश से 5 बांध हुए ओवरफ्लो, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया हाई अलर्ट। गुजरात के भरूच में नर्मदा का बढ़ा जलस्तर, लोगों के घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, जीवन बेहाल। गुजरात के राजकोट में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जन्माष्टमी मेले में पड़ी खलल। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर के बीच सुरक्षित स्थानों में पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते दिखे लोग, घर बार छोड़ रहे लोग। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बाढ़ से बेहाल हुए लोग, कई इलाकों में वाटर लॉगिंग। गुजरात के बोटाद में तेज बारिश, लगातार हो रही बारिश से शहरवासियों की बड़ी समस्या। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश से बेहाल हुए लोग, लोगों के घर और मंदिर हुए जलमग्न। गुजरात के मेहसाणा में आंधी के साथ बारिश, दर्जनों लोगों को के घर हुए तबाह। गुजरात में हो रही भारी बारिश को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बैठक, बाढ़ प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राजस्थान के बांसवाड़ा और बुगंडा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में आवाजाही बंद, उफान पर नदी और नाले, सुरवानिया बांध के खोले गए 10 गेट। राजगढ़ के बांकपुरा में डैम के 3 गेट खुलते ही फंसे 11 लोग, बीच नदी में फंसे लोगों को निकाला गया सुरक्षित। अजमेर में लगातार हो रही बारिश से बेहाल हुए लोग, घुटने भर पानी में वाहन चलाने पर मजबूर। राजस्थान के पाली में बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई समस्या, मार्ग बाधित होने से वाहन सवार लोगों की बढ़ी परेशानी। गुजरात के पंचमहल में मूसलाधार बारिश, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर सैलाब। कोटा में चंबल नदी का बढ़ा जलस्तर, कोटा बैराज के खोले गए 9 गेट, 9,829 क्यूसेक पानी बाहर निकाला। आगरमालवा में लगातार हो रही बारिश से कंडलिया डैम ओवरफ्लो, डैम के 6 गेट खोले गए, निचले इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश से काली सिंध डैम और फ्लो, 5 गेट को खोलकर छोड़ा गया 55,700 क्यूसेक पानी। गोपालगंज के गंडक नदी में नहाने के दौरान एक परिवार के 4 युवक लापता, 4 युवकों की सकुशल बरामदगी के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी।